हाय गाइस, आप में से कुछ लोगों को तो पता ही था कि लास्ट एक दो महीने से मैं और मेरे हस्बैंड औरू हम दोनों बस डॉक्टर्स, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर के चक्कर काट रहे थे। रीज़न ये था कि ये स्पाइडर नहीं, बिल्कुल नहीं, रीज़न ये था कि इसके किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, जो कि मैं मेरे लास्ट ये व्लॉग में शेयर की थी, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो डिसाइड यही हुआ कि इसका होने वाला है ऑपरेशन। सुबह सुबह इसको बहुत लाइट सा मिल दिया और फिर हम लोग निकल गए नर्सिंग होम के तरफ। और सुबह से मेरे साथ इसी बात में इसका झगड़ा हो रहा है कि मुझे बंगाली में ब्लॉग स्टार्ट करना है। चलो छोड़ो इसका बात। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज है औरूप का ऑपरेशन डे और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये मज़े में ही है, बाकी सबका नींद चैन सब कुछ उड़ा के ये मज़े में है। अभी हम लोग जा रहे हैं उल्टाडांगा होके निकलेंगे, ठाकुरगाजी होके जाएंगे डिवाइन नर्सिंग होम। तो वहाँ पे 2-3 घंटा पहले जाना पड़ेगा, प्रोसीजर जो भी है वो करना पड़ेगा। हम भी हैं साथ में, और एडमिशन के बाद इसको मिला था ये बेड। तो हम लोग तो पूरा नीचे ही फॉर्म वॉर्म फिलअप में बिजी थे, यहाँ पे ये बेड के बोर हो रहा था। तो मैं और मासी आई और फिर ये ड्रेस पहनना के इसका थोड़ा मजाक उड़ाई गया। ये बहुत कॉम्प्लेक्स खा रहा था, इसका चेहरा देखो इतना छोटा था, फिर भी पोज देना है इसको बस। तो चलो मैं निकलती हूँ। मैं जाने का कोशिश कर रही थी लेकिन ये मुझे छोड़ने ही नहीं वाला था, इसको पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम। तो मैं तो बस बाय बाय कर रही थी लेकिन ये फिर भी बोलता है नहीं नहीं रुक जाओ, थोड़ा इधर बैठो। इसको फ़ोन चाहिए था कि मैं चाहिए थी पता नहीं। फिर वार्ड स्टाफ का डांट खा के मैं निकल गई और वेटिंग रूम में वेट करने लगी। यहाँ पर भगवान जी का मूर्ति था तो मम्मी लोग तो प्रे ही कर रहे थे सिर्फ, और मैं बोर हो रही थी। तो ये रहा डिवाइन नर्सिंग होम और उसको तो एडमिट करके आई, अंदर वीडियो करने नहीं दे रहे तो मैं सोची कि चलो बाहर आती हूँ, आप लोगों से थोड़ा बात करती हूँ। वैसे मुझे टेंशन उतना नहीं होता है, मतलब नेचुरली नहीं होता है, बट आज भी नहीं हो रहा है। फिर भी बस जल्दी से जल्दी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। घर से आए हैं बहुत सारे लोग, अंकल आए हैं, मेरी सासू माँ आई है, मम्मी आई है, मौसी आए हैं, मेरे मामा आए हैं, शायद दीदी भी आने वाली है, पापा नहीं है। पापा का भी मन थोड़ा सैड है कि वो इस टाइम में कोलकाता में नहीं है, नहीं तो वो मतलब मेरा कुछ भी हो तो हमेशा पापा साथ में होते हैं, सपोर्ट सिस्टम। बाकी तो ठीक है, औरूप भी बहुत चिल था, उसको उतना ज़्यादा टेंशन मतलब ऊपर से तो टेंशन था नहीं। और अभी टाइम हो रहा है 5:49, उसका ऑपरेशन ख़त्म होने वाला है 6 बजे, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर 4 बजे शुरू हुआ है और 6 बजे ख़त्म होगा। 2 घंटे का ऑपरेशन है, लैप्रोस्कोपिक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताई ही नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ था। उसका जो किडनी है लेफ्ट किडनी में, लेफ्ट किडनी से जो वो यूरिनरी ट्रैक्ट आता है ना ब्लडर में, तो वो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टेड था। मैं यहाँ पे वो जो USG और बाकी जो स्कैन का रिपोर्ट था वो यहाँ पे डाल रही हूँ, आपको समझ में आएगा कि कैसा था। वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोगों को जल्दी से जल्दी अगर ऑपरेट करके उसको ठीक किए, मतलब चैनल को, यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसको अगर ठीक किए तो जाके जो लेफ्ट किडनी है उसमें प्रॉब्लम कम आएगा, नहीं तो ज़्यादा, मतलब जितना दिन जाएगा लेफ्ट किडनी डैमेज होता रहेगा। वो प्रेशर में, वो ब्लडर में यूरिन बहुत धीरे धीरे आता है तो यूरिन का प्रेशर वो वापस रिटर्न जाके लेफ्ट किडनी को अफेक्ट कर रहा है। वो ठीक कर, मतलब हम लोग गए थे कुछ गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास,
वो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने से ये सब प्रॉब्लम दिखाई दिया। अभी ये ऑपरेशन के टाइम भी हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ा, लाइक एक्सरे और बहुत सारे ब्लड टेस्ट ये वो। तो उस टाइम पता चला कि उसके लंग्स में भी थोड़ा इन्फेक्शन टाइप का है। अभी यहाँ का ऑपरेशन ख़त्म होने का बाद वो लंग्स लेके दिखाने वाले हैं। बाकी तो ठीक है, ये अभी जो ये प्रॉब्लम्स हैं आता जाता रहेगा क्योंकि कोविड गया है, तो शायद कोविड के वजह से वो लंग्स में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने जैसा बोला है उतना मेजर नहीं है, माइनर है, फिर भी दिखाने तो वाले हैं। बाकी नर्सिंग होम तो अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर अभी तो बोले हैं कि उतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक कुछ है नहीं, क्योरेबल है, ऑपरेशन के बाद ठीक होने वाला है। बस चलो आप लोग प्रे करो और उसके लिए ताकि वो ओवरकम कर पाए जल्दी से जल्दी और नॉर्मल लाइफ में आ पाए। अभी तो उसको रेस्ट में रहना पड़ेगा 2-3 महीने, पता नहीं डॉक्टर बोलेंगे। मैं चलो थोड़ा चाय पीती हूँ। की बोलचे डॉक्टर के ओटी থেকে বেরিয়ে কি বলছে বলো বলো কি বলছে বলতে বাইক চালাবো ঘুরে যাব কেরম করে দেখাচ্ছে ডাক্তার কে এরম করে দেখা কেরম করে দেখা চৌপড়ে যাব পড়ে যাব। तो क्या हुआ था, जब उसका ऑपरेशन ख़त्म हुआ वो अनकॉन्शियस था, मतलब आफ्टर एनेस्थीशिया, फिर भी वो डॉक्टर को दिखा रहा था कि उसको राइड पे जाना है, बाइक चलाना है, और वो कब तक ठीक हो जाएगा एंड बाइक चला पाएगा। तो उस वक्त चाय पीने का टाइम नहीं मिला था, यहाँ से चाय अभी अभी पिए हम लोग। उस टाइम में औरूप का जो ओटी था वो ख़त्म हो गया था, तो हम लोग गए थे उससे मिलने और वीडियो करना मना था, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लिया और देख सकते हो आप बहुत अच्छा गया, बहुत सक्सेसफुल था। डॉक्टर बोले कि 2 दिन बाद छोड़ने का था, मतलब कल भी यहाँ पे रखने का था, परसों डे आफ्टर टुमारो उसको रिलीज़ करने का था, लेकिन उतना दिन वेट नहीं किए, कल सुबह ही डिस्चार्ज हो जाएगा। बहुत माइनर सा एक ऑपरेशन था, बहुत अच्छे से हो गया, तो ख़त्म। मैं बहुत टायर्ड हूँ, अभी घर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, कल सुबह फिर से यहाँ पे आना है, कल सुबह ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी कल के ब्लॉग में, बाय। बस चलो आप लोग प्रे करो सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।